हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। आप देख रहे हैं रिपेयरिंग ऑन यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर में किस तरह से स्कूटर का इंजन ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो आप सामने डिब्बा देख रहे हैं, ये कैस्ट्रॉल एक्टिव का 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल है। ये खास गियरलेस स्कूटर के लिए होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो स्कूटर होती हैं उनमें मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल नहीं डलता है। मोटरसाइकिल के लिए अलग इंजन ऑयल आता है। ये गियरलेस स्कूटर का इंजन ऑयल है। देखिए डब्बे में लिखा हुआ है। आप किसी भी कंपनी का जब इंजन ऑयल लेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि वो स्कूटर के लिए है या फिर मोटरसाइकिल के लिए है। और ये हीरो मैस्ट्रो एज है, इसमें 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल पड़ता है। और इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको इंजन ऑयल से जुड़ी हुई, कैसे बदलते हैं, कब बदलना चाहिए इंजन ऑयल, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जब भी आप इंजन ऑयल को बदलें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गाड़ी को आपको 5 से 6 किलोमीटर चला लेना है, उसके बाद ही आपको इंजन ऑयल बदलना है। इससे इंजन ऑयल जो वो गर्म रहेगा, तो वो जितना भी अंदर का पार्ट है, मेटल पार्ट है, टुकड़े हैं, वो सब बाहर आ जाएगा। इंजन ऑयल बदलने के लिए आपको इस बोल्ट को खोलना पड़ेगा। ये राइट साइड में आपको मिलेगा। इसके लिए मैं इस रेंच का यूज कर रहा हूँ। तो इस बोल्ट को आपको खोल लेना है और साथ ही आपको ऑयल स्टेनर को भी क्लीन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑयल स्टेनर का के लिए बोल्ट है। इसके अंदर एक छोटा सा फिल्टर टाइप का दिया रहता है, तो इसको भी आपको ओपन करके आपको साफ करके वापस लगा देना है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका बेसिकली यूज क्या होता है और इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आप इंजन ऑयल को रिप्लेस करें तो इसको ज़रूर क्लीन करें। तो चलिए सबसे पहले इस बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब गाड़ी गर्म हो, उसका इंजन गर्म हो, तभी आप इंजन ऑयल बदलिए। और इसको बोल्ट को ओपन करने से पहले हम इस डिप स्टिक को भी निकाल लेंगे, ओपन कर लेंगे, जिससे कि जो अंदर का ऑयल है वो पूरा बाहर आ सके। और इस बोल्ट को ओपन कर देंगे। और नीचे कोई आपको ऐसा कुछ रख लेना है जिससे कि जो इंजन ऑयल है वो उसी में गिरे। अभी देखिएगा, मैं जब इसे ओपन करूँगा तो ब्लैक कलर का जो इंजन ऑयल है वो बाहर आएगा, ये देखिए। और ये जो इंजन ऑयल निकल रहा है, इसको आपको कहीं फेंकना नहीं है। इसको आप किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। इसका यूज आप लुब्रिकेट करने के लिए कर सकते हैं गाड़ी को, या फिर घर में जो चैनल लगे होते हैं उनको, तो इनको निकल जाने देंगे। और ये इसका बोल्ट है, इसको भी संभाल के रख देंगे। थोड़ा समय लगता है पूरा ऑयल बाहर आने में। जब भी ऑयल बाहर आएगा तो 700 ml ऑयल जो होता है वो बाहर आता है, जब भी आप इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं। और इसमें 800 ml इंजन ऑयल पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हीरो मैस्ट्रो एज में 800 ml इंजन ऑयल डाला जाता है। और इस ऑयल स्टेनर को भी ओपन कर लेंगे। तो देखिए, ये इसका बोल्ट निकल गया है और इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है। अभी मैं इसमें दिखाऊंगा भी आपको कि मेटल के पार्ट्स इसमें चिपके हुए हैं। ये देखिए, स्प्रिंग भी आ गया, स्प्रिंग के साथ उसका फिल्टर भी बाहर आ गया है। इसका यूज क्या रहता है कि जितना भी इंजन ऑयल में मेटल पार्ट के टुकड़े मिक्स हो जाते हैं, वो सब कुछ इसमें फंस जाता है। ये देखिए, जो ऑयल निकला है वो कुछ इस तरह से है, ब्लैक है बिल्कुल। और ये इसका ऑयल स्टेनर है। ऑयल स्टैनर में ये एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग के साथ ये आप देखेंगे जो इसका नट है, और नट के साथ ये एक जाली अटैच रहती है स्प्रिंग के अंदर, जो कि कचड़े को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ मेटल के पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये सब इसी में आके चिपक जाते हैं। ये मेटल के पार्ट्स क्या होते हैं, आपके पिस्टन रिंग और पिस्टन के अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं, तो उनमें जाके फंसते हैं, जिससे कि बाद में इंजन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके लिए दिया होता है, आपको हर सर्विस पे इसको बदलना होता है, सॉरी आपको इसको क्लीन करना होता है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। इस पर एक सील दी होती है रबड़ की, इसको भी आपको साफ कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं, लिक्विड से भी क्लीन कर सकते हैं। लिक्विड से करिएगा तो उसको पहले अच्छे से सुखा लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। तो इस रबर सील को हम अच्छे से लगा देंगे। और ये जाली को भी मैंने क्लीन कर लिया है। अब देखिए, स्प्रिंग लगेगी कैसे, इसको वापस कैसे लगाएंगे। तो छोटा वाला हिस्सा है वो बोल्ट की तरफ होगा,
और ये ऑयल फिल्टर जो है ये इस तरह से लगेगा, कुछ इस तरह से लगेगा आप देख सकते हैं, और बस इसको जैसा हमने खोला था वैसे ही लगा देंगे। कई मैकेनिक इस चीज़ को करना भूल जाते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जब भी सर्विसिंग करवाइए या ख़ुद से करिए तो इस ऑयल स्टैनर को ज़रूर क्लीन करिए, हर सर्विस से आपको इसको क्लीन करना चाहिए। तो जैसा हमने इसको खोला था वैसे ही हम इसको वापस टाइट कर देंगे। और अभी वीडियो अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई अगर डाउट हो आपके मन में इंजन ऑयल या फिर सर्विसिंग से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंजन ऑयल डालेंगे। तो इंजन ऑयल डालने से पहले हमने जो बोल्ट खोला था नीचे वाला उसे हमें टाइट कर देना है। ध्यान रखना है कि नीचे के दोनों बोल्ट, जो ये वाला बोल्ट है और जो आपका ऑयल स्टैनर का है, दोनों को आपको बंद करके ही इंजन ऑयल को फिल करना है, नहीं तो होगा ये कि आप इंजन ऑयल डालेंगे और नीचे के अगर बोल्ट खुले रहेंगे तो पूरा इंजन ऑयल बाहर आ जाएगा। और इस बोल्ट को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ये उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे बासर दी हुई होती है। इसको लगाने से दो फायदे होते हैं, एक तो आपका ऑयल लीक नहीं करता है और दूसरा ये जो बोल्ट है ये लूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बासर का यूज किया जाता है। तो इसको घुमाइएगा नहीं, तो इसको जैसा हमने खोला था वैसे ही लगा देंगे, और ओवर टाइट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा टाइट करेंगे तो ऑयल लीक नहीं होगा, बस उतना ही करना है जितना ये आपका ठीक लगे, जितनी इसकी कैपेसिटी है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, इसकी जो चूड़ी है जिसे आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूट जाएंगे और फिर ये स्लिप करेगा, यहाँ से ऑयल लीकेज होगा। प्रोफेशनल टूल्स हों तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर मेरे पास अभी यही वाला रेंच है तो मैं इसी की हेल्प से टाइट कर रहा हूँ। देखिए अच्छी तरीके से मैंने टाइट कर दिया है। अब हम जहाँ से हमने डिप स्टिक को निकाला था वहाँ से इंजन ऑयल को फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑनर मैनुअल में दिखाता हूँ कि क्या इसमें लिखा है। तो देखिए इसमें जो इंजन ऑयल के बारे में दिया है कि 0.80 लीटर एट डिसम्बली, यानी आपको 800 ml आपको इसमें इंजन ऑयल डालना है, इसमें मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी ग्रेड का ऑयल बोला गया है यूजर मैनुअल में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए जेन्युइन इंजन ऑयल हीरो 40+ SAE 10W30 SJ ग्रेड इंजन ऑयल रिकमेंडेड बाई हीरो मोटोकॉप। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10W30 SJ ग्रेड जैसे उमाक का ग्रेड का ही इंजन ऑयल आपको फिल करना है, और ये हर 6000 किलोमीटर पे आपको चेंज करना है। 6000 पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको 5000 किलोमीटर पे बदल देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एक इंजन होता है वो लगातार मूवमेंट करता है, भले वो गाड़ी आपकी रनिंग में ना हो लेकिन अगर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है तो इंजन मूवमेंट में आ जाता है, इसलिए 5000 किलोमीटर पर आपको इंजन ऑयल बदल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कैस्ट्रॉल एक्टिव का स्कूटर ऑयल यूज कर रहा हूँ, बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया इंजन ऑयल है मेरे हिसाब से। तो इसका अभी आप मैं कुछ चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे 10W30 480 API क्या लिखा हुआ है, SJ ग्रेड का ये इंजन ऑयल है, ये मुझे 308 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये मुझे 260 रुपये का पड़ा है लोकल डीलर से। और ध्यान रखिएगा कि ये जेन्युइन इंजन ऑयल हो, ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट ना हो, तो आप ट्रस्टेड शॉप से ही ख़रीदें, हो सके तो आप डीलर के पास से ही जाके ले आएँ इंजन ऑयल, और किसी भी कंपनी का आप इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी से मतलब है कि जो कंपनी आपने सुनी है, ऐसा नहीं है कि आपने इस कंपनी का कोई नाम नहीं सुना आप उसका इंजन ऑयल डाल दें, अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल डालें। और देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रिप के थ्रू हमको इंजन ऑयल फिल करना है, थोड़ा ये टाइम लेता है तो इसलिए वीडियो को मैंने यहाँ पर थोड़ा पॉज कर दिया है। बस आपको यहाँ पर फिल करना है, 800 ml का डब्बा आता है, पूरा 800 ml इसके अंदर पड़ेगा, और ये सब काम आप घर में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, मुश्किल से आपके आधे घंटे इसमें लगेंगे, और इस कामों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो या तो सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे होते हैं या फिर किसी मैकेनिक के पीछे पड़े होते हैं कि यार इंजन ऑयल बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब काम आप घर में कर सकते हैं, इसके लिए आपको पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता हूँ। तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पूरा 800 ml मैंने इसके अंदर डाल दिया है,
और बस अब अपने को डिपस्टिक को साफ़ करके लगा के एक बार चेक करना है। तो लेवल तो ठीक आ रहा है, अब इसके बाद आपको डिपस्टिक को कस देना है और गाड़ी को 1 या 2 मिनट के लिए आपको आइडल कंडीशन पे चालू कर देना है, स्टार्ट करके छोड़ देना है, रेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आइडल स्पीड आइडल कंडीशन पे आपको रखना है। तो जो ऑयल बदलने का प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कोई अगर आपको डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।